की शुरुआत हो रही है टीना की सफाई से। देखिए पूरा एकदम झाड़ने में लगी हुई है सारी चीजें, और ये मेरा देखो कितना मैस हो रखा है यहाँ पे। अभी इसको मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ। 2 मिनट में पूरा गंदा कर दे। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ये सिर्फ सैटरडे संडे का होता है मेरा इशू, अदरवाइज सैटरडे संडे की डेली होता है, कहीं नहीं होता डेली, सब चीजें कहीं नहीं होता डेली, सब चीजें मैं समेटती हूं, सुबह पूरी डस्टिंग करती हूं। देखो ऐसा गुस्सा आपके घर पे भी होता है तो बताइए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन शिव रावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। मैं और टीना जा रहे हैं थोड़ा सा मॉल साइड में, कुछ हमारे को शॉपिंग करनी है। वीर और राधी को बोला था यहीं आ जाओ खाने के लिए छोले, आज पंजाबियों को। अरे यार खा ले क्या छोले? और वो है पापा कह रहे थे। अरे अच्छा इसके लिए बोल रहे थे तो भेज देते ना, ले आएंगे वो। चौराहे पे है छोले, हमारे यहाँ भंडारा लगा है। अरे मुझे पता ही नहीं था, मेरे को पहले बता दी, मैं खा लेता जाके, मेरा टाइम भी हो गया। सुबह छोले पार्टी के लिए बोल रहे हो? अरे आंटी की लिट्टी चोखा ले ले, अभी खाएगी लिट्टी चोखा तो। एनीवे तो मैं बोल रहा था हम शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। मैं और टीना जा रहे हैं फिलहाल तो मॉल की साइड में, क्योंकि आज मुझे करनी है कुछ शॉपिंग अपने लिए, फॉर्मल शॉपिंग, वेन्यू से फॉर्मल शॉपिंग, ट्राउजर वगैरह लेने हैं ऑफिस के लिए, वही लेने हम जा रहे हैं। तो आज मेरा दिन है वैसे तो, बट कभी कभी वाइफ का तो हमेशा ही बन जाता है दिन, उसमें कोई चांस नहीं है। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, और फिलहाल फ़ोन कर देते हैं बच्चों को, अगर आके खाना होगा तो यहाँ से लेके आके खा लेंगे, भंडारा है अच्छा है। ये जो माइक है इसका यूज़ तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, नॉइस कैंसिलेशन इसकी ज़बरदस्त है, लेकिन एक ही इशू है कि इसको आप रोड में इसमें जाके ना प्रॉपर व्लॉग नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई आईफोन के साथ व्लॉग करने की, तो वो इसके पीछे एक एक्सटेंशन लगता है, फिर वो माइक को लगाने का झंझट है, तो वो सब रह जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको सिर्फ जब घर पर वीडियो बनेंगे, जो मैं संडे मोटिवेशन की वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए यूज़ करा जाए, व्लॉगिंग के लिए नहीं। हाँ जिधर कहीं ज्यादा आवाज आऊंगी तब मैं उसको उस टाइम एक कभी कभी कभार के लिए यूज करूंगा, अदरवाइज नॉट सजेस्टिंग। मतलब नॉट सजेस्टिंग क्या है, सजेस्ट तो कर सकते हैं, बट आपको अगर आदत है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे को फोन से आदत है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ना ही करें इसको यूज, जब 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 कर सकते तभी करें। G6 में हमने पार्किंग किया है और एकदम गेट के आगे है ना। कौन सा? उसके साथ वो रेड वाइन कलर में हो ना। तो ट्राई करते हैं, जहाँ गए थे लेने के लिए वहाँ तो हुआ नहीं, दूसरी शॉप में आना पड़ा मेरे को लेने के लिए। सही लग रही मैच तो सही लग रहा है वैसे, हैं? कॉम्बिनेशन अच्छा है। जैसे ये तो चेक लिया, उसको भी वैसे लाइनिंग हो रहा था ना, तो थोड़ा सा इसमें कैसे लग रहे हैं बताओ। बट ये स्लिम फिट नहीं है, देख वो है, तुमने ध्यान नहीं दिया है। हाँ तो फाइनली हो गया हमारा शॉपिंग। इस बार चेंज हो गया ब्रांड, चेंज नहीं हुआ, रेगुलर ही तो हम ले रहे थे उसी से। हाँ सो हम लोग तो फिलहाल आ गए शॉपिंग करके, और अभी हम बैठे हैं खाने के लिए, कि जो ब्रांड हम लोग लेने के लिए गए थे वो ब्रांड हमें मिला नहीं, फिर दूसरा ब्रांड गए फिर उसमें नहीं मिला, फिर तीसरे में जाके कुछ समझ में आया कि हाँ ठीक है यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो वहाँ से अभी लिया है। उसमें एक डफल बैग भी हमें फ्री मिल गया, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था लेने का, 6000 की इसकी कॉस्ट है, जो उन्होंने बताया हमको 299 में मिल गया है, लुई फ्लिप्स का बैग है। एंड अभी खाने के लिए बैठे हैं तो इस बार थोड़ा डिफरेंट खाना ऑर्डर किया है मैंने, आने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या है, उसके बाद थोड़ा बहुत काम करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। नॉइस बहुत है इसके लिए थोड़ा जोर जोर से मेरे को बोलना पड़ा है, बट फिर भी आएगी नहीं। यहाँ पे अगर मैं माइक लेके आता तो शायद बढ़िया था, माइक मैं गाड़ी में छोड़ के आया। तो एक तो है ये टाकोस, और ये रोटी वाला सॉफ्ट वाला बनवाया है, फिर एक दूसरा आता वो नहीं बनाया तो सॉफ्ट वाला, एक ये है और एक है क्वासिडियो, वो आने दीजिए। तो ये है क्वासाडियो, एंड उसके साथ में अलग अलग कुछ तो चटनी वगैरह दी है, साथ में है ये बरीटो का हिबिस्कस मिंट कूलर, नाम भी बड़े अजीब अजीब से, ये पता नहीं
किस चीज का बनाया है, कि कोई फूल वूल है? बुरांस की तरह लग रहा है। बुरांस का फूल है ना, लग तो वही रहा है। बुरांस हिबिकस, हिबिकस कह रहे हैं इसको, हिबिकस। इंडियन नेम अगर वही हुआ तो लग तो हिबिकस, अभी चेक करता हूँ, वही होगा शायद। और एक है एवोकाडो मिल्क शेक, ये भी फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। आदि के लिए लेते हुए टीना, आदि ने बोला था कुछ लेके आना उसके लिए, तो अभी दो टी शर्ट लिए हैं, एक ये और एक ये, पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी उसको। और कोई अच्छी सी मिल रही है? हाँ, एन मी, तो उसका साइज क्या है? गाड़ी ढूंढने का हमेशा से ही लफड़ा ही हो जाता है, इतनी बड़ी पार्किंग है इस मॉल की, पता ही नहीं चलता है अभी। G6 ये देखो, मैं बोल रहा हूँ ना वहाँ पे है, तू बोल ऐसे कहते थे, सामने तो दिख रहा था, वही तो मैं बोल रहा था। ये देखो, ये रही फाइनली अपनी गाड़ी। ओ इसको खोलना पड़ेगा अभी, इसको या तो इसको पकड़ दो। ये देखिए, ये बैग हमें मिल गया, एक डी फिलिप्स का 299 में, क्या बात है। पीछे रख देते, क्या चीज। सब लोग निकल चुके हैं अभी, जैसे मैंने बैग आपको दिखाया यही वाला बैग हमें मिला है, बट आज जो हम लेने के लिए गए एग्जैक्टली वो नहीं मिला। मेरे ख्याल से हम 4-5 दुकानों में गए होंगे, जो लेना था वो तो नहीं मिला, बट कपड़ों के मामले में तो मिल ही गया, बट जो जिसके लिए गए थे वो वाला नहीं मिला। फिर एक और चीज़ लेने गए वो नहीं मिली, फिर एक और चीज़ लेने गए वो नहीं मिली ना। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे दिमाग आपका हल्का हो जाता है। तो यही है, फनी मोमेंट लाइफ में ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। इट विल टेक अवे योर कंप्लीट स्ट्रेस, स्ट्रेस आपका बाहर कर देते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू लिव विद इट। सो स्ट्रेस को भगाना है तो हैप्पी रहना है, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ में आप और हम। ये देखो, अभी एक डेंट मार के चला गया खड़े खड़े, अभी कहाँ निकलेगा ये, कलर निकल गया, ये तो डेंट है, ये ठीक कराना पड़ेगा। कल तुमको ऑफिस में देना पड़ेगा, देखते हैं ऑफिस को, यहाँ पे भी है अभी, इसको दिखा देता हूँ। फ्लोर की गाड़ी है, ये देखो, ये यहाँ पे ठोक दिया साला गाड़ी ने, तो भाई देख लगा बहुत जबरदस्त है, पर ये मजबूत है ना, ये देखो ना, ये नहीं, ये तो फिर भी लोहा है ये। सो गाड़ी का तो आपने देख लिया कैसे हुआ, और इसके छोटे छोटे इंसिडेंट ही हुए, कोई बड़े इंसिडेंट तो नहीं थे, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट क्या हुआ कि जो सामान लेने गए थे, आप सुन ही रहे हो तब से कि नहीं मिला, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके चीजें पोस्टपोन होती गई, नहीं मिली जो चीज़ ढूंढने के लिए गए थे वो नहीं मिल रही थी। एंड फिर हम लोग निकल गए, हमने कहा चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे निकले। वहाँ से निकलने के बाद जो रूट हम पकड़ते हैं वही रूट हमने पकड़ा, लेकिन जहाँ मैं अपने घर के लिए टर्न लेता हूँ इस बार उससे पहले टर्न लेने की कोशिश करी, वो इसलिए करी क्योंकि एक तो सड़क बन गई है सर्विस रोड, दूसरा ये था कि कल जो हमारा कैब वाला था उसने भी वहीं से टर्न लिया था, तो दिमाग में था चल यहीं से ले लेते हैं, नॉर्मली मैं दूसरी जगह से टर्न लेता हूँ। और जैसे ही टर्न लेने के लिए वहाँ खड़ा हुआ, सामने एक और ट्रक था, वो भी उसको भी आना था इस साइड में, उसको ऐसे क्रॉस करना था, मुझे ऐसे क्रॉस करना था। तो एक्चुअली मैंने जैसे ही सिग्नल हुआ मैं आगे गाड़ी लेके गया, वहाँ मैंने गाड़ी रोकी, उसको देखा कि वो इधर से निकालना है, तो उसको एक्चुअली दूर थोड़ा उधर की साइड दबाना था, अपनी राइट साइड को दबाना था, उसने क्या राइट साइड ना दबा के लेफ्ट साइड दबा दी, लेफ्ट साइड दबा के जो पिछला हिस्सा है उसमें गाड़ी का ग्राप से आवाज़ आई, और इतनी ज़ोर की आवाज़ आई कि टीना को लगा कि गाड़ी गई, क्योंकि वास्तव में बहुत जोर की आवाज़ थी। फिर भी मैंने थोड़ा आगे आके गाड़ी रोकी और चेक किया कि क्या हुआ एक्चुअली, तो उतना बड़ा डेंट नहीं लगा जबकि ज़ोरदार आवाज़ थी, और अगर दूसरी गाड़ी होती तो शायद मेरे ख्याल में पूरा ही पिचक गया होता, उतना नहीं लगा। तो अभी उसमें पेंट वेंट कराना पड़ेगा, शायद कुछ काम रहेगा। तो ये चलिए, ये तो एक छोटा सा, और मैंने ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को कुछ बोला ही नहीं, क्या बोल के बात करके कोई फ़ायदा नहीं था, कोई बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने फिर
अपना निकाल के लेके चले गए। और ये क्या है ना, नई गाड़ी है तो छोटा मोटा तो लगना ज़रूरी था, अब बड़े होने से छोटा ही हुआ, तो ऊपर वाले की कृपा है कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि जो आगे चल के तकलीफ हो सकती थी हम लोगों को, तो छोटा ही हुआ, बड़ा 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 नहीं लगा। दैट वो मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, आप लोग का शुक्र करता हूँ कि आप लोग की दुआओं से बच गए हम, ज़्यादा लंबा या बड़ा चीज़ होने से हम बच गए। तो एनीवे अब कल मैं उसको ऑलरेडी मैंने महिंद्रा में बात कर लिया, तो जाके गाड़ी को चेक कराता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर देखते, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। कल से तो ऐसे ही हो रहा है, मतलब कल भी एक झगड़ा, आज तो खैर मैंने अवॉइड ही किया झगड़ा। आदि को अभी तीन टी शर्ट हम बता रहे, पर तीन में से ना ये एक मेरी है, अब तू जो पहनने चॉइस, मेरे को तीनों पसंद है, अभी तेरे को जो पसंद है दो तू ले ले, उसके बाद देखते हैं कौन सी पसंद है भाई, वो देख ले, जो नहीं पसंद है हम पहन लेंगे। बैटमैन वर्सेस जोकर, एक ही साइज़ है, एक ही ब्रांड के कपड़े, अलग ब्रांड के नहीं है, तीनों एक ही ब्रांड की टी शर्ट। चलिए करते हैं खाने पीने की तैयारी, और खाने का हो गया समय, फिलहाल बन रहा है घर में मटर पनीर चावल वगैरह, तो हम वो आज खाएंगे डिनर में, और इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। कल गाड़ी को लेके जाएंगे, कल महिंद्रा को दिखाएंगे, गाड़ी कैसे ठीक होगी क्या होगी वो कल ही पता चलेगा। फिलहाल तो लोकल को तो मैंने बताया था, तो ज़्यादा खर्चा नहीं बता रहा है, लेकिन महिंद्रा से कराएंगे तो बेटर रहेगा, तो वही एक प्लान है। तो कल ऑफिस जाएंगे तो वहीं पे वो बुलाया मैंने महिंद्रा सर्विस से, दे विल चेक एंड दे विल लेट मी नो कि क्या एक्सपेंस आने वाला है, तो फिर आपको बाद में शेयर करते हैं। तो फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिवराव चैन ऑफ लाइफ के साथ।